सो गाइज, ये बन रहा है मम्मी का ब्रेकफास्ट, क्योंकि उनको बहुत सारी दवाई खानी है। उनका हुआ है कैटरक का ऑपरेशन आइज का। उनके लिए रात में बचे हुए थे थोड़े से आलू का भरता, उसी का ही ब्रेड के स्लाइसेस में लगा के मैं यहाँ रेडी कर रही हूँ। किसके लिए भेजूं? बाकी सबके लिए भी रेडी करने वाली हूँ थोड़ी देर बाद। अब हम जा रहे हैं उनको देने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रियोनिक व्लॉग्स एंड वेलकम टू न्यू व्लॉग्स। सो आज है गाइस संडे का दिन, तो जैसा कि आपने देख लिया मम्मी को खाना देने के बाद, उसके बाद बाकी सबके लिए खाना वाना बनाया। खाना मींस कि लंच नहीं, ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट हमारा हो रहा है, घड़ी दिखाती हूँ मैं आपको। तो आप देख सकते हैं 2:45 बज रहे हैं और हमारा इस टाइम पे हम खाने वाले हैं अपना ब्रेकफास्ट, जो कि है ब्रेड और चाय। और यहाँ पर निक उठने का नाम ही नहीं ले रहा। हम लेट उठते हैं बट स्टिल आज तो लेट का भी हदे पार हो चुका है। 3 बज रहे हैं, हेडेक हो रहा है। ओहो, हेडेक हो रहा है और फोन देखने में बिल्कुल हेडेक नहीं हो रहा है, वैसे हेडेक हो रहा है। ये वेब सीरीज ताजा खबर। हाँ, वो मैं कल देख रही थी, उसका ट्रेलर आया है कि वो आया है। तुम क्या देख रही थी? मैंने वो भी देखा था एड, बट हम कल कुछ और देख रहे। हम कल मूवी हमने चलाया था, कौन सी चलाई हो तुम? हमने कल मूवी कौन सी चलाई थी? गोविंदा, गोविंदा मेरा नाम। और सोते 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 देखा उसे, और आधा हमने उस मूवी को 2 बार चलाया है और दोनों बार हम लोग रात को देखते देखते सोए हैं। और कल भी ऐसा हुआ है ना, पूरा नहीं देखा है ना उसको? मैंने पूरा देखा, इसने पूरा देखा है, मैंने पूरा नहीं देखा है। मैं कब सो गई थी मुझे पता ही नहीं चला। तो जैसा कि दिल्ली में बहुत ज़्यादा हो गई है ठंड, तो बस मन करता रहता है कि रजाई में बस पड़े रहे, और स्पेशली जब छुट्टी का दिन हो उठने का बिल्कुल मन नहीं करता। वैसे घर में सब कुछ काम वाम हो चुका है, बस अभी बाकी है थोड़ा सा कपड़े वपड़े धोना। कल भी मैंने धोए थे, और वो जो सोफ़े के कवर और बेडशीट वगैरह है ना, वही सब आज के लिए रह गया है। तो बस मैंने आज का जो ये व्लॉग बनाना स्टार्ट किया है, ऐसे ही हमारे घर का व्लॉग होगा। अभी ऐसा कुछ बहुत ही ज़्यादा स्पेशल कुछ प्लान तो है नहीं। अभी हम कर रहे हैं 2:45 नाश्ता, ठीक है? किस किस के घर में ऐसा होता है आप कमेंट करके ज़रूर बताना। आई थिंक किसी के घर में ऐसा नहीं होता होगा, हमारे घर छोड़ के बहुतों के घर में होता है। तो जिस जिसके घर में ऐसा होता है 2:45 आप लोग नाश्ता कर रहे होते हो, वो कमेंट पे ज़रूर बताना, ठीक है? और अगर चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, हो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। पता नहीं क्या होने वाला है इस व्लॉग में, देखते हैं क्या क्या आज का हमारा जो भी रूटीन होता है वही सब आपके साथ में शेयर करेंगे। काफ़ी टाइम से वैसे हम लोग घर का और वैसे डेली व्लॉगिंग कर नहीं रहे हैं, तो देखते हैं क्या होता है। बने रहिए आज के इस व्लॉग में। तो अभी मैं और निक आ गए हैं ऊपर छत पे। बहुत दिनों से जो काम पेंडिंग था वो है कि कारपेट धोना था हम लोगों को, तो यहाँ पर धुल रहा है कारपेट। कैसे धुल रहा है दिखा दो। आप भी अपने कारपेट लाओ। ये रहा विम लिक्विड आ गया है, आप भी अपने कारपेट लाओ, 300 रुपए में वॉश करवाओ। सिर्फ 300 रुपए में कर दोगे वॉश? हैं? कॉन्टेक्ट नंबर मैं इनका डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हमने ये अपना नया बिजनेस स्टार्ट करा है। ये क्या हो रहा है, अपने आप क्यों चल रहे है बार बार? झटके लेती है ना। और साथ साथ मैंने बहुत दिनों से मैं छत पे नहीं आई थी, तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ, यहाँ पर छोटी सी गार्डन बना रखा है निक ने। रोज कब बनाया मुझे पता ही नहीं चला। यहाँ भी इतने सारे पौधे आ गए गेंदे के, रोज के। वैसे अभी ये मेहनत 300 रुपए वाली नहीं लग रही है, कम से कम 1000 रुपए वाली लग रही है। गाइस, हमने प्राइस चेंज कर दिया है, 300 में कारपेट नहीं धुलेगा, पूरे 1000 रुपए में धुलेगा। सर्दियों में पानी में काम करने का मजा ही कुछ और है। क्या हुआ?
तुम क्या रिकॉर्ड करने में लगी पड़ी हो? तुम पे ही करवाऊंगा अभी मैं। व्लॉग बन रहा है मेरा भाई, संडे व्लॉग, संडे स्पेशल व्लॉग। मारूंगा यही मैं। गर्मी का स्टेप दिखाओ करके। हाय गर्मी, हाय गर्मी। सो थैंक यू माधुरी दी को। माधुरी दी गांव से आई हुई है, हमारी रिलेटिव। कहां से आई? बरेली से। और यहां पर काम चलते चलते उन्होंने बनाई है हमारे लिए चाय। किसे बताए नहीं, आप यूट्यूब पे आओगे, फेमस हो जाओगे। तो ये कुछ ऊपर से नज़ारा, ऊपर का शॉट मैं लेते हुए कारपेट धुलते हुए। बहुत दिनों से इसका टारगेट था, कम से कम 2-3 हफ्तों से बोल रहे हैं कारपेट धोना है, कारपेट धोना है। आज फाइनली मुहूर्त निकल गया है कारपेट धोने का। और हम मज़े ले रहे हैं चाय का। सो गाइस अभी लगभग हो गया है शाम और अब मैं धो रही हूँ कपड़े। कपड़े तो मैंने एक स्लॉट पहले ही लगा दिया था, धीरे धीरे करके धो रही हूँ। ऊपर चली गई थी जब कारपेट धो रहे थे तो बीच में वहाँ पर काम रुक गया था, तो अब दोबारा से मैं धो रही हूँ कपड़े। उसके बाद मैं नहा लूँगी, बस इसी तरीके से हमारा छुट्टी का दिन जा रहा है। सो गाइस काम के बीच में टाइम टू टाइम चाय और कॉफ़ी मिले तो मज़ा ही आ जाए। तो अभी निक हमारे लिए लेके आ गया है कॉफ़ी और यहाँ पर है ये हमारे लिए नहीं आया तो मेरे लिए था, लुटेरे बैठे यहाँ पे इस कमरे में। और यहाँ पर है ये चुड़वा है ना, पोहे, पोहे पोहे, हम इसको चुड़वा ही बोलते हैं, जिसमें होता है पीनट चना फ्राई किया हुआ। बहुत अच्छी बनी है। सो मैं नहा धो के अब रेडी कर रही हूँ अपनी ग्रीन टी और यहाँ चल रहा है वीडियो कॉल। किसके साथ? इस सस्ते ब्लॉगर बैठे हुए ना मेरे बगल में भाई। और ये रहा मेरा ग्रीन टी का पाउच। सो गाइस जिनके साथ हम गोवा ट्रिप में गए थे उन्हीं का ही वीडियो कॉल है, फेमस ब्लॉग। वाह, उनके घर पे भी नया नया एक पप्पी आया हुआ है। शिज़ू, शिज़ू। ये मेरे को भी शौक था। ये शिज़ू है। खाना वाना हो गया है कंप्लीट और रजाई में बस घुस चुके हैं। तो इस तरीके से रहा हमारा आज का दिन। तो कैसा लगा आपको वीडियो आज की, प्लीज़ ज़रूर बताना कमेंट में और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर देना। तो हम लोग आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए आप लोग दिल्ली की सर्दी का मज़ा लीजिए, बहुत ज़्यादा ठंड हो चुकी है। और सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, टेक केयर एंड बाय बाय। सो गाइस व्लॉग को तो हम एंड कर चुके थे बट मन किया दोबारा से स्टार्ट करने के लिए क्योंकि टाइम हो रहा है 2:30 बजने वाले हैं 2:30 और मेरे को थोड़ा ना क्रेविंग हो गया था कुछ खाने का और मैंने पता नहीं जैप्टो से या ब्लिंकिट से ऑर्डर करा है अपने लिए बिस्किट और चिप्स रात के 2:30 बजे। और अभी जुगाड़ हम कर रहे हैं कि उसको हम ले कैसे, क्योंकि नीचे जाना गेट खोलना और बहुत ज़्यादा ठंड है। तो मैं यहाँ पर लाई हूँ बाथरूम से बाल्टी। मैं इसको जुगाड़ करने वाली हूँ कि मुझे मेरा ऑर्डर यहाँ ऊपर से ही मिल जाए। अब देख। सो गाइस ऊपर से तो मैं सामान ले नहीं पाई, मुझे नीचे ही जाना पड़ा और मुझे मेरा सामान मिल चुका है। तो अब फाइनली इस ब्लॉग को एंड करते हैं। बाय।